गोपालपुर के एक छोटे से गांव में रमेश अपने बीवी और बेटे के साथ रहता है। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं है। परिवार का पेट पालने के लिए रमेश रिक्शा चलाया करता था। रमेश काफी गरीब था और उसका एक ही सपना था कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन रमेश अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे कुछ हलचल की आवाज आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। रमेश फौरन उठकर सोहन पर चिल्ला कर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज़ सुनकर सोहन डर जाता है और कहता है, पापा वो मैं। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप के पैंट से पैसा निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे किसी अच्छे मकाम पर पहुँचा सकूँ, और तू चोरी सीख रहा है। रमेश की ऊंची आवाज़ सुनकर उसकी बीवी सोनिया वहाँ आ पहुँची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? सोहन कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता है। ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तो पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया है कि मांगने में शर्म आती है। क्या कर रहा था बेटा? तो सोहन कुछ ना बोला। देखा मुंह नहीं खुल रहा है, इसका रंगे हाथों पकड़ा गया है न। ऐसा क्यों किया बेटा, तुझे कुछ चाहिए क्या? और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और सोनिया सोहन से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूँ ना, मैं पैसे दे दूंगी तुझे। नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसे नहीं लेना चाहता। ऐसा क्या काम है? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। यह कहने के बाद सोहन वहाँ से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं, आखिर कहां से 500 रुपए का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है, अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है, तभी उसका दोस्त हरीश उसे आवाज देकर बुलाता है। सोहन तू यहाँ क्या कर रहा? भाई वैसे परेशान हूँ मैं। अरे भाई के होते हुए परेशान क्या बात है बता।